गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। सो वेलकम बैक टू योर EBS क्लास स्टूडेंट। टुडे डेट इज 31st August 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 8। नेम ऑफ द चैप्टर आवर क्लोज। नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर क्लोज। ओके, सो नेम ऑफ द चैप्टर इज आवर क्लोज। नाउ स्टूडेंट, लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो इन द प्रीवियस वीडियो स्टूडेंट, वी डिस्कस दैट व्हाट टाइप ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लोथ्स। सो द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लोथ्स आर, वी मेक क्लोथ्स विद द cotton also, and from where we get this cotton, we get this cotton from the cotton plant. Okay, then the clothes are also made from the wool. Woolen clothes are made with the help of the wool, and from where we get this wool, we get this wool from the animal, and name of the animal is sheep. Okay, we take out the hairs of these animals, and these animals are found in a cold region. That is the reason these animals are found in the cold region. Next is the from where we make the clothes. Next thing is that we make the clothes with the silk, and this silk we are getting from the silkworm. Okay, this silk, from where we are getting this silk, we are getting this silk from the silkworm. So and another method for making the cloth is the synthetic fiber. So what is a synthetic fiber? This is a fiber, you can say this is a man-made fiber. ठीक है, इस फाइबर को हमने तैयार किया, हम human beings ने. किससे तैयार किया है? क्रूड ऑयल से. और नाइलॉन और रेयॉन के जो क्लोथ्स बनते हैं वो इसी से बनते हैं. लेकिन बेटा आप इस क्लोथ्स को, इफ़ यू आर क्लोज टू द फायर और यू कांट यूज दिस क्लोथ्स एट द टाइम वेन यू आर कुकिंग फूड इन द किचन, बिकॉज बाई चांस इफ दिस क्लोथ्स कैच फायर दे स्टिक इन आवर स्किन, ये हमारी स्किन में चिपक जाते हैं क्योंकि ये क्रूड ऑयल के बने हुए हैं. स्पेशली जब आप फायर के पास हो या तो आप कुकिंग का वर्क कर रहे हो तो आप इन क्लोथ्स को वेयर नहीं करो. कॉटन क्लोथ्स इसलिए बेटर होते हैं कि कॉटन क्लोथ्स क्या होते हैं, दे बर्न एंड बिकम चेंज इन द फॉर्म ऑफ एश. कॉटन के क्लोथ्स क्या होते हैं, वो बर्न हो जाते हैं और उसका एश बन जाता है, राख बन जाती है, वो आपके बॉडी में चिपकते नहीं है. तो ठीक है, सो मटेरियल फॉर द क्लोथ ये सब हमने डिस्कस किया था. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था हाउ दीज फाइबर्स आर चेंज टू फैब्रिक. ये जो फाइबर्स है अब इससे क्लोथ कैसे बनते हैं. सो दैट थिंग वी स्टार्टेड इन द प्रीवियस वीडियो. और व्हाट इज स्पिनिंग एंड वीविंग, दीज बोथ द थिंग्स आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. इफ यू सी व्हाट इज स्पिनिंग एंड व्हाट इज वीविंग, यू कैन चेक इन द प्रीवियस वीडियो. मैं लिटिल रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ. स्पिनिंग में क्या होता है बेटा, फर्स्टली फ्रॉम द कॉटन, फ्रॉम द वुल एंड फ्रॉम द सिल्क वी मेक अ थ्रेड. ठीक है, हम क्या बनाते हैं, वी आर मेकिंग द थ्रेड फ्रॉम दिस. ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप इज द वीविंग. वीविंग मीन्स नाउ विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड वी आर मेकिंग द क्लोथ्स. अब जो थ्रेड हमने पहले बना लिए, अब इस थ्रेड से हम लोग क्लोथ्स कैसे बनाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्निशिंग ऑफ द फैब्रिक, दैट इज डाइंग द क्लोथ. फर्निशिंग ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द फैब्रिक. डाई कैसे अब हम लोग करते हैं क्लोथ्स को. ठीक है, डाइंग द क्लोथ्स. अब देखो फॉर एग्जांपल कॉटन, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉटन, कलर ऑफ द कॉटन इज वाइट. सिल्क, सिल्क इज आल्सो वाइट. ओके, एंड जो वुल हम लोग लेते हैं शिप से वो भी मैक्सिमम वाइट ही होती है.
शेप्स, सो उनके हेयर्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग गोल्डन क्लोज बनाते हैं। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दैट स्टूडेंट, तो देखो फर्निशिंग ऑफ द क्लोथ, तो अब क्या होता है कि व्हेन द क्लोथ इज रेडी, अब क्लोथ बन गया, वीविंग में हमने क्या किया बेटा, क्लोथ को बनाने का कैसे बनाते हैं ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब क्लोथ बन गए, अब उसको डाई करते हैं, डाई मीन्स होता है कि अब उस क्लोथ को हम डिफरेंट कलर्स अप्लाई करते हैं क्लोथ पे, ठीक है। जैसे आप खुद के अपने ड्रेस देखोगे तो आपके पास बहुत से कलर के ड्रेस होंगे, ठीक है। अगर आप अपने ही क्लोथ को देखो तो आपके पास बहुत से कलर के ड्रेस होंगे, लेकिन ये जो जिस मटेरियल से बन रहे हैं इनका कलर वाइट है, लेकिन आपके पास रेड ड्रेस भी होता है, ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, येलो भी होगा, ऑरेंज भी होगा, पिंक भी होगा, यू हैव डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स ऑफ द ड्रेसेस विद यू। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, अब जब क्लोथ इनसे बन जाता है बेटा, कॉटन से, वुल से, या तो सिल्क से आफ्टर, और या तो नायलॉन से, ठीक है, रेयॉन से, जब एक बार क्लोथ इतने बन जाते हैं तो अब इन क्लोथ को हम लोग कलरिंग का काम करते हैं, इनको क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो कलर करने का क्या मेथड है बेटा, द फैब्रिक इज पुट इनटू अ लार्ज वेसल, एक बहुत बड़ा सा वेसल होता है, कंटेनर, जिसमें कैसा वाटर होगा, हॉट वाटर होगा, ठीक है। हॉट वाटर में हम डाई को मिक्स करते हैं, कलर्स को मिक्स करते हैं, ठीक है। अब ये कलर क्या होता है, क्लोथ पे, फैब्रिक पे लग जाता है, और इसको फिर हम लोग ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसको ड्राई कर लेते हैं। और दिस इज द मेथड कि फैब्रिक को कैसे, क्लोथ को कैसे कलर किया जाता है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन दिस मेथड, तो सबसे पहले लिख लो व्हाट इज डाइंग, आपको लिखना नहीं है तो आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि वन वर्ड में एज ए डिफाइन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज डाइंग। सो द प्रोसेस बाय विच the process by which a fabric is given color is called dyeing. Okay, the process by which a fabric is given color, जो फैब्रिक होती है वो व्हाइट कलर का क्लोथ बनता है, अब उसको डिफरेंट कलर्स अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय व्हिच अ फैब्रिक इज गिवन कलर इज कॉल्ड डाइंग, एंड व्हाट इज द मेथड, मेथड इज दैट द फैब्रिक इज, व्हाट इज द मेथड, मेथड इज द फैब्रिक इज पुट इनटू ए लार्ज वेसल, into a large vessel, the fabric is put into a large vessel, and which type of water it is, in the hot water containing containing hot water containing hot water with different color with a different color a different color dyes mixed in them okay so the process by which a fabric is given color is called dyeing now what happens here what we do the fabric is put into a large vessel and this vessel contain a hot water and this hot water
द डिफरेंट कलर डाइज आर मिक्स, जिस भी कलर में उस क्लोथ को कलर करना है वो डाई उसमें हॉट वाटर में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, अब जब हॉट वाटर में कलर इस तरह मिक्स करेंगे तो वो कलर पूरा किस में आ जाता है बेटा, क्लोथ में आ जाता है। और फिर फैब्रिक को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। देन द फैब्रिक इज ड्राइड एंड वी हैव द कलर्ड फैब्रिक रेडी टू यूज और प्रिंट। रेडी टू यूज और प्रिंट इसलिए बोला है, देखो जैसे हम लोग सिंगल कलर के क्लोथ भी पहनते हैं, जैसे आपने आपकी स्कूल शर्ट है पूरी वाइट होती है, या तो आप मार्केट से कोई शर्ट पे तो रेड शर्ट पूरी ब्लैक, तो सिंगल कलर भी। और प्रिंटेड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स बने होते हैं। जैसे मैंने जो शर्ट पहनी है देखो, इसमें बॉक्सेस बॉक्सेस बने, ठीक है ना, अलग अलग पैटर्न है, तो डिफरेंट डिजाइंस। जैसे आप लोग की मम्मी लोग की साड़ीज जो होती है उसमें साड़ीज में बहुत से अच्छे अच्छे डिजाइंस आते हैं। तो नाउ अब पहले तो उसे कलर कर लिया जाता है क्लोथ को, और उसके बाद अब डिफरेंट डिजाइंस उस पर प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिजाइंस उस क्लोथ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ना, ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर प्रिंटेड ऑन द कलर फैब्रिक, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया कि पहले क्लोथ पे पूरा कलर कर लेते हैं और उसके बाद आप उसको प्रिंट करते हैं। डिफरेंट पैटर्न्स आर प्रिंटेड ऑन द कलर फैब्रिक, ठीक है। अब देखो, द फाइनल स्टेज ऑफ द फिनिशिंग स्टेप इज व्हेन अ स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू द फैब्रिक दैट मेक्स इट वाटरप्रूफ और स्टॉप इट फ्रॉम श्रिंकिंग और रिंकलिंग। अब फाइनल स्टेज क्या है, अब वो क्लोथ हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये चेक किया जाता है जब वाटर में कि वो, देखो कभी कभी होता है ना, आप लोग नए क्लोथ्स लाते होंगे और मम्मी लोग आपकी वॉश करती होंगी, तो वो क्लोथ्स क्या करते हैं, श्रिंक कर जाते हैं कि छोटे हो जाते हैं, ठीक है। वो क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, उनका साइज कम हो जाता है, तो ऐसा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए क्लोथ्स में। इसके लिए उसको फाइनल स्टेज उसे मार्केट में बेचने से पहले ये भी चेक किया जाता है कि क्लोथ सही तो बना है, जो क्लोथ है कपड़ा श्रिंक तो नहीं कर रहा है, रिंकल। आप नए क्लोथ मार्केट में लेने जाओगे, जो क्लोथ आप लेते हो, एक होता है ना कि हम बनी बनाई पैंट शर्ट लेते हैं, और एक क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट वी टेक द क्लोथ फ्रॉम द शॉपकीपर एंड देन वी गो टू द टेलर शॉप एंड देन द टेलर अकॉर्डिंग टू आवर साइज देन द टेलर मेक डिफरेंट क्लोथ फॉर अस। सो जब भी आप क्लोथ देखते होगे तो क्लोथ बिल्कुल कहीं से मुड़ते नहीं, रिंकलिंग इफेक्ट क्लोथ में ये भी चेक किया जाता है कि कहीं से क्लोथ मुड़ा तो नहीं है, क्योंकि जो न्यू क्लोथ होता है बेटा वो एकदम स्मूथ होता है, ठीक है। आप नया कपड़ा जब भी खरीदने जाओगे मार्केट में, आप उसको अपने हैंड से टच करना, जो न्यू क्लोथ होता है वो बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है, और कहीं से भी वो कपड़ा मुड़ा नहीं होता है जब नया होता है कपड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें चेक कर ली जाती हैं बिफोर सेंड दैट क्लोथ टू द मार्केट, ठीक है। बिकॉज अब न्यू क्लोथ तो फैब्रिक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि स्मूथ एंड इट गिव एंड गिव इट अ शाइन टू, जो न्यू क्लोथ होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, जब इस प्रोसेस से फाइनल प्रोसेस से जब जाता है उसकी चेकिंग हो जाती है कि वो श्रिंकिंग नहीं हो रहा है, रिंकलिंग नहीं है, तो अब जो क्लोथ आएगा दिस मेक्स अ फैब्रिक स्मूथ। फैब्रिक कैसी होगी, फैब्रिक होगी स्मूथ, फैब्रिक कैसी होगी, स्मूथ होगी एंड and gives it a shine too, ठीक है। fabric क्या होगी, fabric smooth होगी, fabric smooth and gives it a shine too,
जो नया क्लोथ होता है बेटा उसके क्या होता है वो बहुत स्मूथ होता है और उसमें शाइन भी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी आप न्यू और न्यू क्लोथ पहन के, ठीक है, आप न्यू शर्ट पहन के आ गए स्कूल में तो सारे बोलते होंगे आपको, अरे वाओ नया शर्ट पहना है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है और बच्चों ने भी शर्ट पहन रखी है, लेकिन जब हमारा न्यू क्लोथ होता है तो एक तो वो प्लेन होता है और उसमें शाइन होती है, ठीक है। व्हेन वी वॉश दैट क्लोथ मेनी टाइम्स, जब हम उस क्लोथ को बहुत बार वॉश कर देते हैं तो उसमें वो शाइन नहीं रह जाते, ठीक है। कभी भी आप न्यू क्लोथ वेयर करने के बाद अपने को मिरर में देखना, आप ज़्यादा स्मार्ट स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लगोगे, क्योंकि न्यू क्लोथ क्या होते हैं, एक तो वो स्मूथ भी होते हैं और उसमें शाइन भी होती है। क्लोथ की स्मूथनेस और शाइन कैसे चली जाती है, जब हम लोग उसको बहुत बार यूज करते हैं, मेनी टाइम वी वॉश, तब उसकी शाइन चली जाती है, नहीं तो वो दिखने में जब न्यू रहेगा तो बहुत स्मूथ भी होगा और बहुत शाइन भी करेगा, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ आवर क्लोथ, हाउ वी विल केयर आवर क्लोथ। टॉपिक इज केयर ऑफ आवर क्लोथ। नाउ हाउ वी विल केयर आवर क्लोथ, सो फर्स्ट we must take good care of our clothes or they will get damaged or torn, ठीक है। हमें अपने clothes की क्या करनी चाहिए बेटा, केयर करनी चाहिए। डैमेज अगर आप केयर नहीं करते हो, इधर उधर अपने घर पे कहीं भी अपने कपड़े आप रख दे रहे हो, प्रॉपर प्लेस पे नहीं रख रहे हो, अलमीरा में नहीं रख रहे हो अपने क्लोथ को, तो घर में बहुत से अनवांटेड विजिटर्स भी होते हैं, जैसे रैट। अक्सर आपने देखा होगा कि चूहे क्या है, कपड़ों को काट देते हैं, ठीक है। आपकी नई शर्ट है अगर चूहे ने काट ली तो फिर आप पहनने लायक नहीं रह जाएगी, तो हमें अपने क्लोथ्स की केयर करनी चाहिए, उनको प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ से स्कूल से जैसे आप घर जाते हो अपनी शर्ट है कहीं भी रख दी, कहीं भी रख दी, ऐसा नहीं। हमें प्रॉपर केयर करनी चाहिए अपने कपड़ों की, ठीक है। नेक्स्ट है वी मस्ट वॉश आवर क्लोथ्स रेगुलर, फर्स्ट था We must take good care of our clothes. We must take good care of our clothes. ठीक है। Second क्या है? We must wash our clothes regularly in a clean water. और जिस water से आप अपने clothes को wash करते हो ना बेटा, वो water कैसा होना चाहिए? Clean होना चाहिए, ठीक है। और generally आप लोग soap, साबुन या कोई detergents powder use करते हो अपने कपड़ों को clothes को wash करने के लिए, ठीक है। So there are many detergents which are available in the market, ठीक है। बहुत से detergent है with different names. So we use a soap or detergent powder to wash our clothes. So when you are washing the clothes, clothes must be rinsed well. ठीक है, आप जब आप clothes wash कर रहे हो बेटा, तो आप अपने clothes को proper water से wash, मतलब water से हमें अच्छे से उसे wash करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना कि क्योंकि क्लोथ में जब आप सोप लगाते हो, डिटर्जेंट रहते हो, तो आपको बहुत अच्छे से अपने क्लोथ वॉश करने चाहिए, जिससे कि बिफोर ड्राई करने से पहले, जब आप ड्राई करने के लिए उन क्लोथ को डालते हो, उससे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके क्लोथ में सोप या डिटर्जेंट पाउडर ना रह गया हो। अगर ऐसा होगा, अगर
सोप या डिटर्जेंट पाउडर आपके क्लोथ्स में रह गया है और आप उन क्लोथ्स को ड्राई कर लेते हो बेटा, तो आप जगह जगह निशान आपको नजर आएंगे। वो किसके निशान होंगे? वो आपके डिटर्जेंट पाउडर के या सोप के होंगे। तो हमें प्रॉपर उन्हें अच्छे ढंग से वॉश करना चाहिए, ठीक है, बिफोर ड्राई द क्लोथ्स। क्लोथ्स को ड्राई करने से पहले हमें बहुत प्रॉपर ढंग से उसको क्या वॉश करना है, सो डैट उसमें सोप या डिटर्जेंट ना रह जाए, ठीक है, एंड देन उसे ड्राई करके प्रॉपर ढंग से उसे रख देना है, ठीक है। और आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स भी आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आपने कपड़ों को धो दिया और आपने ड्राई नहीं कराया, तो ऐसे में क्या है, क्लोथ्स में बहुत स्मेल आ जाती है, ठीक है। तो आपका वॉशिंग द क्लोथ्स आपको प्रॉपर टाइम पे उसे ड्राई भी करा लेना है। अगर आप ड्राई नहीं करते हो, बहुत देर तक वो कपड़े वॉटरी में रह जाएंगे तो उसमें स्मेल आने लगती है, ऐसे कपड़े आप नहीं पहन सकते हो बेटा, ठीक है। आप ऐसे कपड़े पहन सकते हो, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट था वॉश क्लोथ, वॉश क्लोथ्स, वॉश क्लोथ्स इन क्लीन वाटर, वॉश क्लोथ्स इन क्लीन वाटर यूजिंग सोप और डिटर्जेंट पाउडर। नेक्स्ट है, वी कैन डिप वॉश्ड व्हाइट क्लोथ्स इन इंडिगो पाउडर, ठीक है। हम लोग जब भी, आपने घर में ये चीज ऑब्जर्व की होगी, आप नहीं की होगी तो आप देख लेना, जब भी आपकी मम्मी लोग स्कूल ड्रेस वॉश करती हैं, आपकी व्हाइट शर्ट है, तो वॉश करने के बाद वो उसे किस में डिप करती हैं, नील में, ठीक है। सो इंडिगो पाउडर क्या है, नील है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, ब्लू कलर का, क्योंकि व्हाइट कलर्स को अगर आप रेगुलर वॉश करते हो, इंडिगो पाउडर उसमें नहीं डालते हो, तो व्हाइट कलर के क्लोथ्स येलोइश टाइप के लगने लगते हैं, बहुत पुराना कपड़ा लगना लगता है, ठीक है। अगर व्हाइट कलर के क्लोथ्स को आप रेगुलर वॉश कर रहे हो बेटा, ठीक है, व्हाइट कलर्स के क्लोथ्स हैं, अगर आप उसको रेगुलर वॉश कर रहे हो लेकिन उसमें इंडिगो पाउडर नहीं डाल रहे हो, मतलब आप नील नहीं डाल रहे हो, तो रेगुलर वॉश करने से उस कलर का, उस क्लोथ का कलर क्या है, येलो टाइप का लगने लगेगा व्हाइट कपड़ा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन, व्हेन एवर यू व्हाइट वॉश द व्हाइट क्लोथ्स, then dip that white clothes in a indigo powder, that is the neem, okay, this is the third point, dip washed white clothes in indigo powder. What we say indigo powder को हम लोग क्या बोलते हैं, नील बोलते हैं, ठीक है, that is means नील, ब्लू कलर का ये लिक्विड होता है, ठीक है, ब्लू कलर का लिक्विड होता है, ठीक है, बिफोर डाइंग टू मेंटेन देयर व्हाइटनेस, इससे क्लोथ्स की व्हाइटनेस मेंटेन रहती है, ठीक है, ब्लू इंडिगो पाउडर नील डालने से, नहीं तो व्हाइट कपड़े को वॉश करते करते वो बिल्कुल येलो टाइप का लगने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये व्हाइट शर्ट है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड, नाउ नेक्स्ट पॉइंट,
point so अब देखो जो जो बड़े एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं जैसे सिल्क के क्लोथ्स हैं तुम्हारे वुलन क्लोथ्स हैं, देखो नॉर्मल जो डेली यूज वाले जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल सोप या डिटर्जेंट से वॉश कर लेते हैं ठीक है। लेकिन बेटा द क्लोथ्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव जैसे सिल्क के कपड़े हैं, बनारसी साड़ी है ठीक है, तो ऐसे जो महंगे और एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं इनको हम लोग सोप या नॉर्मल डिटर्जेंट पाउडर्स में वॉश नहीं करते, नहीं तो कपड़े की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो जाती है ठीक है। सो सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स are delicate and expensive, delicate और बहुत expensive मतलब बहुत महंगे होते हैं। Okay, so they should either be washed in mild detergent or dry clean. ठीक है, ऐसे कपड़े जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो इसे हम घर में नहीं वॉश कर सकते, ऐसे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली इनको वाटर और वाटर से नॉर्मल डिटर्जेंट्स में अगर आप वॉश करोगे तो ऐसे कपड़ों को आप लोग ड्राई क्लीन के लिए भी भेज सकते हो ठीक है, ऐसे कपड़ों को आप लोग ड्राई क्लीन के लिए भी भेज सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर द क्लोथ्स आर ड्राई वी मस्ट आयरन देम ठीक है। सो आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ्स एंड आफ्टर दैट द क्लोथ इज ड्राई यू मस्ट आयरन योर क्लोथ्स, इफ यू वेयर द क्लोथ्स विच आर आयरन देन यू लुक स्मार्ट स्टाइलिश एंड ब्यूटिफुल। ओके, सो आफ्टर ड्राई यू मस्ट आयरन योर क्लोथ्स, सो आफ्टर द क्लोथ्स आर ड्राई वी मस्ट आयरन देम, we must iron them. ठीक है, unironed and crumpled clothes मतलब मुड़े गड़े कपड़े ठीक है। अगर आप क्लोथ्स तो अनक्रम्पल्ड क्लोथ्स से आप You will look very untidy and uncompact. ठीक है, आप देखने में अच्छे नहीं लगोगे, गंदे लगोगे अगर आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो ठीक है। तो केयर ऑफ क्लोथ्स हो गया बेटा, now the next important thing is the storage. So we should okay, next is the storage. So care should be taken while storing the clothes. The place which you store your clothes, that place should be dry, clean and there is no water also on that place. ठीक है, ये भी बहुत important है, where you that is the storage of your clothes, जहाँ भी आप अपने clothes को रखते हो that place should be dry होनी चाहिए, clean होनी चाहिए, water नहीं होनी चाहिए उस place पर ठीक है। So
we will discuss this topic, how we do the storage of the flows, in the next video. Thank you, student.